नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की जो वीडियो है वो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से दर्शक होंगे जिनकी यही मांग थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि आखिर आपका स्टार भारत और स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट डीडी फ्री डिश में कब आएगा। काफी वक्त से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जो भी मुझे कमेंट्स मिलते हैं उसमें यही सवाल तो जरूर आता है। और अभी हाल ही में मुझे सवाल पूछे गए कि स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, वो डीडी फ्री डिश में कब से आ रहा है या फिर आपका कह लीजिए तो स्टार भारत हो गया। तो देखिए, बताना चाहूंगा कि इन चैनल्स के बारे में जो मांग बढ़ती जा रही है उसके बावजूद भी स्टार इंडिया की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि आखिर वो यहाँ पर इसके बारे में कोई फैसला लेने वाला भी है या नहीं। फिलहाल अगर हालात को देखें तो उम्मीद की जा सकती है कि इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश का हिस्सा बनना जरूर चाहिए, लेकिन अगर हम स्टार इंडिया के बारे में बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि वह स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट या फिर स्टार भारत को पार्टिसिपेट करवाने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा अगर 2022 की ई ऑक्शन में, जो कि एक साल की होगी, उस दौरान स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट या स्टार भारत को पार्टिसिपेट करवा दिया जाए। देखिए, उम्मीद तो हर चीज की होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमें जरूर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि साल 2022 में जो पूरे एक साल के लिए MPG2 को लेकर ई ऑक्शन होगी, तो उस दौरान अगर स्टार को लगा रियलाइज हुआ है तो वह जरूर जो है स्टार भारत को, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट को पूरे एक साल के साथ ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करवाएगा। उसने जो है प्रोरेटा बेसिस पर नहीं देखा, बल्कि ये बस सोच रहे होंगे कि क्यों ना हमें से एक साल के साथ ही ई ऑक्शन में जो है भाग दिलवाएं। आपने देखा होगा पिछली ई ऑक्शन में जितने भी चैनल्स हैं वो वापस सभी लौट आए, जिसकी हमें मांग थी कि स्टार जी अनमोल आ जाए, स्टार उत्सव मूवीज आ जाए, सोनी पल वापस आ जाए, जी अनमोल कलर्स रिश्ते जो भी थे उन सभी का हमने देखा वापस पा लिया। तो उम्मीद की जा सकती है कि 2022 में जो भी चैनल आपके बचे हैं, मेरे ख्याल से दो ही बचे हैं, स्टार भारत है या स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट है। स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट की हम फिर भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन स्टार भारत का मैं कुछ फिलहाल नहीं कह सकता। वैसे बेशक टीआरपी में तो देखिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन इससे हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जरूर आना चाहिए। आपके नजर में क्या है, आपको क्या लगता है कि उसे 2022 की ई ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो स्टार की ओर से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बस एक उम्मीद की दुनिया है और यहाँ पर उम्मीद ही हम कर सकते हैं कि 2022 की अगर कोई जानकारी लीक होती है तो हम जरूर आपके बीच साझा करेंगे। कृपया करके अपनी राय हमें देते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बाकी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि हमारे जो दर्शक है वो आखिर देखना क्या चाहते हैं। नमस्कार।